नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मंगलवार को जिला अधिकारी करमवीर शर्मा ने आदेश जारी किया है। जिले में धारा 144 लागू करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शादी बारात में भी एक समय में 200 लोगों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी। इस आदेश को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से नगर निगम सीमा में लागू कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी करमवीर शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। शादी विवाह, कैटर आदि से संबंधित थाने व SDM से अनुमति लेनी होगी। शादी विवाह की पूरी रिकॉर्डिंग 48 घंटे के अंदर SDM के यहाँ जमा करना होगा। जुलूस, चल समारोह, रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगी। बारातियों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी। शहर की दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। भोजनालय, रेस्टोरेंट, होटल व बारात घर, मैरिज गार्डन को रात 10 बजे तक ही छूट रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाइयों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप सहित आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी यात्री बसें, रेल, वायु सेवा के यात्रियों को रात 10 बजे के बाद भी आवाजाही की छूट रहेगी। उन्हें चेकिंग में टिकट या इसका सबूत दिखाना होगा। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।